भारतीय जनता युवा मोर्चा चमोली के नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों के स्वागत और सम्मान में कर्णप्रयाग नगर पालिका के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर जोशी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर हम सभी को तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के सम्मान में युवा मोर्चा ने कर्णप्रयाग में नगर पालिका के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को ईमानदारी से कार्य कर चमोली जनपद में भाजपा को मजबूत करना है। चमोली से संदीप की रिपोर्ट। के हमारे मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उसके उपरांत हमारे प्रभारी जी का निर्देश हुआ कि हम सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और हमने सभी मंडल अध्यक्षों को यहाँ पे आमंत्रित किया और उनका स्वागत करा। हमारे प्रभारी जी भी पहली बार अपने जिले में आए हैं, तो प्रभारी जी का भी स्वागत हुआ। ये कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा किया गया। सबसे जो स्ट्रॉन्ग विंग है वो युवा मोर्चा है, और मजबूती के साथ जैसे प्रत्येक मंडल के बूथ स्तर तक युवा मोर्चा काम करने वाला है, उसको लेकर के ये बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। और बहुत सारी जो नीतियाँ जो उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की जो चल रही हैं, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं, उसको धरातल तक पहुँचाने का काम युवा मोर्चा जो जैसे कि बदस्तूर जो कार्यक्रम जारी है उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अभी जैसे नकल विरोधी कानून है, भर्ती घोटाला, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक तरीके से जो भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन हम लोग जनमानस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, नवयुवकों की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तमाम सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो उनके खिलाफ़ भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस हुए हैं।